Now we are starting the second lecture of chapter 1st, class 10th, science, chemical equation. First lecture mein humne study kiya tha, define chemical reactions, chemical reaction actually mein hoti kya hai, phir uske baad reactants kya hote hain, products kya hote hain, and after then we are studying about the changes in a chemical reactions. To humne 5 changes ki baat ki thi, jisme changes kya the humare, first change kya tha humara, formation of precipitate, evolution of gas, change in color, change in physical state, and last one, change in temperature. Now today we will study about the chemical equation. Chemical reactions ke baad topic aata hamara chemical equation. Because the chapter name kya hai, chemical reactions and chemical equation. Now we will study about chemical equation. Chemical equation kya hoti hai? It is the symbolical. It is the symbolical representation. It is the symbolical representation of a chemical reaction is called as chemical equation. क्या कहलाता हमारा केमिकल इक्वेशन के बाद, यानी इट इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शंस को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो उसके सिंबल्स के द्वारा, उसके फॉर्मूलों के द्वारा, यानी इट इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन. या आप ये भी बोल सकते हो, इट इज द मेथड थ्रू विच, इट इज द मेथड थ्रू विच वी रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल as well as formulae of their compounds, उन compound के formulae के द्वारा, is known as the chemical equation. यानी किसी chemical reaction को represent करना, उसके symbols के द्वारा, उसके formulae के द्वारा, क्या कहलाता है हमारा chemical equation. For example, हम बात करते हैं, कि when zinc metal, या zinc granules, या zinc metal, added into the dilute sulfuric acid, it will convert into the formation of zinc sulfate and hydrogen gas. अगर हमारे पास ये दिया गया हो, जिंक मेटल है प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट विद हाइड्रोजन गैस. ये रिप्रेजेंट कर रहा हमारा सिंपल केमिकल रिएक्शन को, कि हमारे पास जिंक मेटल है प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एरो का सिंबल है. It will convert into the formation of zinc sulfate plus hydrogen gas. तो इसको represent करना किसी form में, chemical equation की form में, किस form में represent करना, chemical equation. तो symbol of zinc क्या होता है, we know that Zn. symbol of zinc क्या होता है, Zn plus dilute Dil. sulfuric acid क्या होता है हमारा, H2SO4. Zn zinc plus dilute H2SO4 sulfuric acid. It will convert into the zinc sulfate ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस H2. इस प्रकार से, यानी हमारे पास Zn, जिंक का सिंबल Zn था, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स. आपको पता हो तो बता देता हूँ, नोट कर लेना इस बात को, सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स. केमिकल्स का राजा भी बोलते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल्स. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स. तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 कन्वर्ट इनटू द जिंक सल्फेट. जिंक Zn, सल्फेट क्या होता है, SO4. बी रिमेंबर इट, जिंक का सिंबल Zn और सल्फेट क्या है, SO4. सल्फेट आयन होता है. कंप्लीट नेम क्या है, जिंक सल्फेट, एक कंपाउंड होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन है H2. तो नाउ इट रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन. अभी हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन है. H2SO4 क्या था हमारा, मैंने बता दिया मैंने आपको, H2SO4 इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स. दूसरी बात, जो है सिंबल्स से, जो न्यू सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है, न्यू सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे भाई, न्यू सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ये बताया था किसने, जे जे बर्जलियस ने. बी रिमेंबर इट, जे जे बर्जलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, क्योंकि जो सबसे पहले वाले जो सिंबल थे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जो सबसे वाले जो पहले ओल्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स थे, होता था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने, ओल्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स उसने बताए थे, क्योंकि उस टाइम पे एलिमेंट हमारे पास बहुत कम थे, तो उसने उनको फिगर आउट कर रखा था, तो उनकी फिगर से बना रखे थे छोटे छोटे सर्कल के शेप में.
तो उनको बोलते थे ओल्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विच वॉज गिवन बाई जॉन डाल्टन. आफ्टर दैन एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती गई और एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए और उनके जो न्यू सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हो किसने बताए थे भाई जे जे बर्जलियस इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यू सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. और H2SO4 रिप्रेजेंट द किंग ऑफ केमिकल्स. तो हम बात कर रहे थे केमिकल इक्वेशन. एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन होती क्या है कि एक सिंबोलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का. यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपके एटम दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं, कंपाउंड दिए गए हैं, उनको उनके सिंबल और फॉर्मूलों के द्वारा रिप्रेजेंट कर देना. क्या कहलाती है हमारी केमिकल इक्वेशन. हमारे पास इक्वेशन क्या थी भाई, केमिकल रिएक्शन जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट विल कन्वर्ट इनटू द जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. जिंक द सिंबल ZN, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स H2SO4. जिंक सल्फेट, जिंक ZN, सल्फेट क्या होता है, एक आयन होता है SO4. तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2, सिंबल क्या होता है H2, केमिकल इक्वेशन. उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एक तो क्या होती है भाई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन आइदर साइड आइदर टुवार्ड्स द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर. यानी दोनों साइड के अंदर, एक साइड में क्या होते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं प्रोडक्ट. जो रिएक्शन की ये एरो होती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये वाले पार्ट क्या कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट्स. क्या कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट्स. और रिएक्टेंट बताए थे मैंने, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच कैन इजीली रिएक्ट विद ईच अदर. यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो आसानी से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं रिएक्ट. एंड राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं प्रोडक्ट्स. क्या होते हैं भाई प्रोडक्ट्स. और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर फाउंड बाय द रिएक्टेंट्स. जो किन से बने हैं, रिएक्टेंट से बने हैं. विच कंटेन न्यू केमिकल बॉन्डिंग विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हम बात कर रहे थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के क्या होंगे, सेम होंगे. क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे. दोबारा बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या होते हैं, सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कोई हाइड्रोजन है प्लस नाइट्रोजन है, इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3. ये फॉर्मूला होता है भाई अमोनिया गैस का. इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3. तो हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, यहाँ पे दो. नाइट्रोजन के पास कितने हैं, दो. और NH3 के पास, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक, इधर कितने हैं, दो. तो ये बैलेंस नहीं है, तो पहले इसको बैलेंस बनाएंगे. दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, दो. यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास दो. हाइड्रोजन के पास कितने हैं, तीन दूनी छः, लेकिन इधर कितने हैं, दो. तो तीन दूनी छः. अब दोनों साइड में एटम क्या है, बैलेंस्ड हैं. तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. 3H2 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन कन्वर्ट इंटू द अमोनिया. और कोई एग्जाम्पल बात करते हैं, C+O2 कन्वर्ट इंटू द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज ऑल्सो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. एक कार्बन दो ऑक्सीजन. तो किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का. और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया हमारे पास क्या भाई, CA कैल्शियम, उसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड CaO. यहाँ पे कैल्शियम एक, ऑक्सीजन एक, यहाँ पे कितने दो, तो मल्टीप्लाई बाई टू. दो ऑक्सीजन दो कैल्शियम. अब ये क्या हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में क्या होती है, इट इज अ केमिकल इक्वेशन, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, नोन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्या होती है हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज द स्केलेटन केमिकल
इक्वेशन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड जिसके अंदर एटम बैलेंस नहीं होते, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज आल्सो नोन एज अ स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? ढांचा, यानी एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर एटम आपस में बैलेंस ना हो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड इट इज आल्सो नोन एज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड के दो नाम हैं, एक तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इट इज आल्सो नोन एज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नेवर इक्वल टू ईच अदर, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं होते, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम आपस में इक्वल नहीं होते। ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? अनबैलेंस्ड, या क्या कहलाती है? हमारी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पीछे वाला ही, हमारे पास नाइट्रोजन गैस है N2, उसने रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ, N2+H2, इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ NH3 अमोनिया गैस। नाइट्रोजन के दो है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? एक है। हाइड्रोजन के यहाँ पे दो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? तीन। तो एक इसका एग्जाम्पल हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, दोनों ने रिएक्शन किया और क्या बना दिया? H2O वाटर। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो हाइड्रोजन के पास दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे दो, लेकिन यहाँ पे कितना है? एक है। तो ये भी किसका एग्जांपल? हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। और बात करते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? सनलाइट। ये बताया था ना सिंबल है सनलाइट का, H𝛎, द सिंबल ऑफ सनलाइट। और ये इक्वेशन किसने दी थी भाई? प्लैंक ने। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये इक्वेशन किसने दी थी? प्लैंक ने, प्लैंक। तो CO2+H2O क्या बनाते हैं? फूड, C6H12O6, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्लूकोज। क्या बोलते हो? ग्लूकोज। नोट कर लेना है फॉर्मूला ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस साथ में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे कार्बन एक, यहाँ पे कितने हैं? छः। तो भी किसका एग्जांपल है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसका एग्जांपल भाई? ये भी हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब टॉपिक आता है हाउ कैन यू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अब हमें कन्वर्ट करना है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर कन्वर्ट करना है भाई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको कन्वर्ट करना है किसके अंदर कन्वर्ट करना है भाई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और उनको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तीर एंड तुक्का। क्या बोलते हैं भाई? हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम बैलेंस करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, चेंज आउट करते हैं किसके अंदर? चेंज आउट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस मेथड का नाम क्या होता है? हमारे इस मेथड का नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। Now we start to balance the chemical equation. Method का नाम क्या भाई? हमारे method का hit and trial method, hit and trial method, hit and trial method. For example हमारे पास कोई reaction है, हमारे पास मान लिया हम किसी भी reaction की बात कर रहे हैं, कोई general example लेते हैं, अगर हम मीथेन गैस को बर्न कर दें, हमारे पास रिएक्शन दे रखी है मीथेन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमारे पास मीथेन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, दे विल कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारा? स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? राइट डाउन द स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है? राइट डाउन द स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। अब पीछे मैंने आपको बताया था स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होती क्या है, स्केलेटन क्या होती है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मैकेनिकल ने इसकी खाली ऐसी केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसके अंदर क्या हो, इसके केमिकल फॉर्मूले हो। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? CH4 प्लस। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? O2, CH4 प्लस O2।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2 और वाटर क्या होता है H2O। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। इन स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, राइट डाउन द स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। हम खाली स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं, मिथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन O2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, स्टेप फर्स्ट हमारा। इन केस ऑफ स्टेप सेकेंड, राइट डाउन द टेबल या ड्रा ए टेबल, ड्रा द टेबल फॉर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो एटम प्रेजेंट उनके लिए हमें क्या ड्रा करनी है, कि टेबल बनानी है। ड्रा द टेबल फॉर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर क्या लिखेंगे भाई हम, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एक साइड में रिएक्टेंट, एक साइड में प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंबल, सिंबल ऑफ एटम, एटम का सिंबल। हमारे पास कौन कौन से एटम भाई, ऊपर हमने देखा है रिएक्शन के अंदर, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बाकी फिर से वही कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हमारे पास तीन सिंबल है, कार्बन हाइड्रोजन और थर्ड सिंबल क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे रिएक्टेंट के अंदर कार्बन एक है, राइट हैंड साइड में भी क्या है, एक है। तो रिएक्टेंट में भी कार्बन एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। हाइड्रोजन उसके बाद, रिएक्टेंट में चार है, प्रोडक्ट में कितने हैं, दो। रिएक्टेंट में चार और प्रोडक्ट में दो। उसके बाद ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में कितने हैं, दो और प्रोडक्ट में दो और एक तीन, दो और एक तीन। नाउ वी स्टार्ट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ध्यान देते हैं, वन वन है, यहाँ फोर टू है, यहाँ पे टू थ्री है। इन स्टेप थ्री, मल्टीप्लाई बाय द सूटेबल इंटीजर। अब सूटेबल इंटीजर इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं प्रोडक्ट वाली हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन था, यानी इन केस ऑफ वाटर, अगर वाटर को मल्टीप्लाई करता हूँ दो से, तो दो दुनी चार, हाइड्रोजन क्या होते हैं, चार हो जाते हैं और ये बैलेंस होते हैं। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो पहले किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। इन स्टेप थर्ड, इन स्टेप थर्ड मल्टीप्लाई बाय ए सूटेबल होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो जैसे स्टार्ट होते हैं वन से, सॉरी जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन टू। तो मल्टीप्लाई बाय ए सूटेबल होल रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए सूटेबल नंबर, मल्टीप्लाई बाय ए सूटेबल नंबर, एक सूटेबल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिएक्शन क्या थी भाई हमारे पास, तो CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। हमारे पास रिएक्शन क्या थी, इसके पार्ट बना देते हैं इस स्टेप के। CH4 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू द CO2 प्लस H2O। हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पे चार हैं, यहाँ पे कितने हैं, दो है, तो मल्टीप्लाई बाई टू। अब कार्बन एक एक, हाइड्रोजन कितने हैं, चार, हाइड्रोजन यहाँ पे दो दूनी चार, दो दूनी चार। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, दो और दो ये हैं, दो और दो चार, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो। इन सेकेंड स्टेप, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, मल्टीप्लाई ओ टू बाई टू वी गेट। इस बार क्या मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीजन को, और उसमें किसको मल्टीप्लाई करना था, H2O को, H2O बाई टू। तो इन सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या भाई, CH4 प्लस O2 क्या था, CO2 प्लस 2H2O, और यहाँ पे हमने वाटर को दो सेंटर, यहाँ पे ऑक्सीजन को दो सेंटर करना है। अब काउंट करते हैं, कार्बन एक लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी कार्बन एक, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में चार, और राइट हैंड साइड में कितने, दो दूनी चार। अब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने, दो दूनी चार, और यहाँ पे कितने, दो, और ये एक है, तो दो एक कम दो, दो और दो चार, दो तो ये हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे कुछ नहीं समझ कितना है, एक, तो दो एक कम दो, दो ये हो जाएंगे, तो दो और दो चार। नाउ इक्वेशन क्या है, बैलेंस। तो स्टेप फोर में, ड्रा द टेबल अगेन, दोबारा टेबल ड्रा करनी है, सिंबल लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के एज वेल एज प्रोडक्ट के।
अब सिंबल फिर से वही है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रिएक्टेंट के अंदर कार्बन इस बार भी एक है, प्रोडक्ट में भी कितना है, एक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में चार है, प्रोडक्ट में भी दो दुनी चार है, चार है, दो दुनी चार। ऑक्सीजन दो दुनी चार है, यहाँ पे कितने हैं चार, ऑक्सीजन भी चार और ये भी चार। अब ये बैलेंस हो चुकी है, तो स्टेप फिफ्थ में, स्टेप फिफ्थ, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे हम, क्या थी हमारी, सी एच फोर प्लस टू ओ टू कन्वर्ट इनटू द सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ, ये कन्वर्ट हो चुके हमारे क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस मेथड का नाम क्या भाई हमारा, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, थ्रू विच एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसके द्वारा हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। और दिस मेथड इज नोन एज द हिट एंड ट्रायल मेथड। नाउ इसके अंदर एक छोटा टॉपिक है हमारा बुक के अंदर, कि हाउ कैन यू मेक ए केमिकल इक्वेशन इज मोर इन्फॉर्मेटिव, कि हाउ कैन यू मेक, हाउ कैन यू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी एक आप केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाओगे, और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यही दे रखा हो कि जिंक ग्रेन्यूल्स हैं आपके पास, जिंक है और जिंक रिएक्ट करता है आपकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और इट विल कन्वर्ट इनटू द जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या होती है भाई, हाइड्रोजन गैस। अगर इस टाइप से मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी हो, यहाँ पे भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो, फॉर्मूला ना हो, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको आप कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाओगे। बताया था मैंने केमिकल इक्वेशन को फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनके सिंबल के द्वारा, जिंक का सिंबल Zn प्लस डाइल्यूट DIL सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स, फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, एरो का सिंबल जिंक सल्फेट, फॉर्मूला क्या होता है Z, और सल्फेट के लिए SO4, प्लस हाइड्रोजन के लिए H2। आफ्टर देन इसको रिमेट करो, जिंक क्या होता है हमारा सॉलिड, और सॉलिड का सिंबल क्या होता है S, डाइल्यूट क्या होता है लिक्विड होता है, और लिक्विड किस फॉर्म में होता है, ये डाइल्यूट किस फॉर्म में होता है, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, तो एक्वस का सिंबल क्या होता है AQ, जिंक सल्फेट वाइट पाउडर सॉलिड होता है S, हाइड्रोजन गैस होती है G, क्योंकि सॉलिड का सिंबल S, लिक्विड का L, गैस का G, एक्वस सॉल्यूशन का AQ। उसके बाद जिंक कैसे कलर में होता है, बताया था मैंने, कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रे कलर होता है, ब्लू ग्रे कलर होता है। डायल्यूट H2SO4 होता है कलरलेस, हाइड्रोजन गैस होती है, और इट विल गोज टू आउटसाइड, और इवोल्यूशन ऑफ गैस का सिंबल क्या होता है अपर। जिंक सल्फेट क्या होता है हमारा प्रेसिपिटेट, सिंबल क्या होगा डाउनवर्ड, और इसका कलर कैसा होता है वाइट पाउडर, कैसा होता है वाइट पाउडर। तो इस प्रकार से किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना उसकी फिजिकल स्टेट के द्वारा, सॉलिड है तो एस से, लिक्विड है तो एल से, गैस है तो जी से, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो ए क्या उससे, उनके कलर्स बता के सबस्टांस के, जैसे जिंक है ग्रेन्यूल्स हमारे टुकड़े होते हैं ब्लू या ग्रे कलर में होते हैं, जिंक सल्फेट वाइट पाउडर होता है तो वाइट पाउडर के द्वारा, अगर जो प्रेसिपिटेट होते हैं डाउनवर्ड एरो से, अगर गैस इवोल्ड होती है तो अपवर्ड एरो से। तो इस प्रकार से किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, तो वो क्या बनाता है, इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि एक जो केमिकल इक्वेशन होते हैं वो क्या होती है मोर इन्फॉर्मेटिव, थ्रू विच वी कैन कलेक्ट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन। तो हाउ कैन यू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, तो एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके सिंबल के द्वारा, उसके केमिकल फॉर्मूलों के द्वारा, उसकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सॉलिड है तो स्मॉल एस, लिक्विड है स्मॉल एस, सॉरी स्मॉल जी, स्मॉल एल, गैस है तो स्मॉल जी, एक्वस सॉल्यूशन है तो स्मॉल AQ, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। फिर उसके कलर के द्वारा, जैसे भी कलर में कलर को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो डाउनवर्ड एरो, इवोल्यूशन ऑफ गैस है तो अपवर्ड एरो, क्योंकि ये सिंबल होते हैं, ये सिंबल किसका होता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी उस रिएक्शन के अंदर गैस कहाँ हो रही है बाहर निकल रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस।
अगर डाउनवर्ड का एरो का सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी ऐसी पार्टिकल्स जो हमारे किसके अंदर रहते हैं, कंटेनर के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये सिंबल किसको शो करता है, ये वाला जो सिंबल होता है किसको शो करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी आपके रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अगर ये वाला सिंबल होता है, ये वाला किसका होता है, बैकवर्ड रिएक्शन, किसका सिंबल है हमारा, बैकवर्ड रिएक्शन, यानी जो आपके प्रोडक्ट है ना वो चेंज हो रहे हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, वापस रिवर्सिबल। और ये वाला जो सिंबल होता है किसका होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का, किसका सिंबल होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये वाला जो सिंबल किसका है, रिवर्सिबल प्रोसेस का, रिवर्सिबल प्रोसेस का ये वाला सिंबल, यानी प्रोसेस में आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट इजीली चेंज हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? ओके।